नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार मैं मिथुल मेहता आप सभी लोगों का फ्रीडम 23 के आज के इस पार्ट टू के अंदर हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। द मेजर इंटेंशन ऑफ दिस फ्रीडम 23 इज कि 2023 के अंदर इस साल क्या हम एक गोल विजन रख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या उसके अंदर हमको कोई मेजर स्विंग्स हम आइडेंटिफाई करना सीख पाते हैं या नहीं, नंबर वन। एंड क्या हम हमारे बड़े टारगेट्स को डिसाइड करके क्या बड़ा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं या नहीं। पार्ट वन अगर आपने देखा है तो गुड, अगर नहीं देखा है तो पहले आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा क्योंकि मेजर टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट वहां पे हो चुका है। इस सेशन में मैं समरी से मैं शुरू करूंगा एंड साथ साथ में स्ट्रेटजी भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो इफ यू गाइज आर रेडी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जस्ट राइट एक्साइटेड इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे पता चले कि हाँ इफ यू गाइज आर विद मी एंड यू गाइज आर इक्वली ऑल्सो एक्साइटेड। तो मेरे फर्स्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरीके से व्हाट आर द स्किल्स नीडेड एंड व्हाट यू विल लर्न इन अ सिंपल बोरिंग जापानीज़। बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सिंपल बोरिंग जापानीज़ के अंदर कि जिसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा व्हेन यू वांट टू फाइंड अ स्टॉक। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सही स्टॉक मिलना। अब देखो स्टॉक तो 7000 स्टॉक है, सही स्टॉक का मतलब क्या है? सही स्टॉक का मतलब ये भी है कि जहां पे बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो, वन। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस के जो फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है वो कम से कम मिले, नंबर दो। एंड तीसरा, जो स्विंग्स आपके बन रहे हैं वो रिलायबल हो एंड बड़े प्रॉफिट वहां पे मिलने चाहिए। तो इस तरीके के स्टॉक मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक चार्ट में बता सकता हूं इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो मैं एक सिंपल में चार्ट लगाऊंगा और ये जो चार्ट है ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। अगर आप ये चार्ट को ध्यान से देखोगे तो क्रूड ऑयल यहां पे इस जगह पे इसका प्राइस था समवेयर अराउंड 9750 इस जगह पे, ऑलराइट। और वहां से ये फॉल आपका हो रहा है समवेयर अराउंड 6292। तो अगर आप देखोगे तो फॉल बहुत बड़ा है, लेकिन ये फॉल को आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ज़िगज़ैग है। जैसे ही आपका स्टॉक नीचे जा रहा है वहां से रिवर्सल दे रहा है एंड स्विंग्स आपके जो मिल रहे हैं वो काफी बड़े बड़े स्विंग्स आपको मिल रहे हैं। तो होता क्या है इस तरीके के सिनेरियो में, करेक्ट, आपका ट्रेड ट्रेंड दोनों सही होने के बावजूद भी ट्रेड लेते समय आपके इमोशंस आपको इतने ज्यादा परेशान करेंगे जिसके कारण इस तरीके के ट्रेड में प्रॉफिट कमाना एंड टू रिमेन इन अ प्रॉफिट एंड बड़ा प्रॉफिट कमाना काफी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे, लेट्स अज्यूम कि आपने इस जगह पे आपका ट्रेड लिया था, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई फॉर एग्जांपल प्लस आपको 5000 दिखेगा, फिर आपको माइनस यहाँ पे 2000 दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे प्लस 6000 आपको यहाँ पे दिखेगा, फिर 6000 आपका रिड्यूस हो गया, लेट्स से प्लस 2000 दिखेगा। तो इतना बड़ा जब आपका एम टू एम में वेरिएशन दिखेगा तो हमारे जो इमोशंस हैं ये हमें नेचुरली परेशान करते हैं। तो इसलिए एक अच्छा स्टॉक मिलना ये भी इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर ऑसिलेटर टूल और आपकी स्किल्स यहाँ पे मायने रखती हैं। तो एम टू बी टू में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट उसके अंदर दिस आर द फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझने पड़ेंगे और ये कुछ केस स्टडीज हैं जिसके माध्यम से मैं ये आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो स्क्वीज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए लेट मी जस्ट डायरेक्टली टेक यू टू एशियन पेंट। आप बोलेंगे सर ये अंदर का बॉरिंग जापान कौन सा है, बाहर का कौन सा है, इसके इंडिकेटर्स पैरामीटर्स क्या हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता चलेगी जब आप पहला पार्ट देखोगे जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलराइट, सो यहां पे अगर आप देखोगे सो इन एशियन पेंट व्हाट इज हैपनिंग कि आप यहां पे फर्स्ट लेट्स सी दैट हम यहां पे स्क्वीज देख रहे हैं। तो ये वाला जो स्क्वीज वाला पार्ट आप देख रहे हैं, द स्क्वीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये स्क्वीज तब इंपॉर्टेंट है जब ये कोई बड़े ट्रेंड के बाद हो। ऑलराइट, अगर कोई ट्रेंड आपका बहुत ही छोटा ट्रेंड है और उसके बाद अगर आपकी स्क्वीज हो रहे हैं तो उसका जो इंपॉर्टेंस है वो कम होगा कंपेयरिंग टू अ प्राइस जिसमें एक बड़ा प्राइस एक्शन आ चुका हो, एक बड़ी गिरावट या बड़ा उछाल आ चुका हो और उसके बाद जब ये स्क्वीज बने तो उसका जो पावर है वो नेचुरली आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मेरा स्टॉक का प्राइस है वो है समथिंग अराउंड 3590 अप्रोक्सीमेटली और यहाँ पे ये गिर के हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 3000। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है और उसके बाद जब ये स्क्वीज बन रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है और आप देखोगे कि बैंड्स यहाँ पे जो है ये एक्सपांड यहाँ पे कर रहे थे। अब उसके पहले इस जगह पे भी आपके बैंड स्क्वीज कर रहे थे, ऑलराइट, उसके बाद आपके बैंड यहाँ पे एक्सपांड यहाँ पे हो गए और एक्सपांशन के बाद फिर यहाँ पे ये जो स्क्वीज हुए तो दिस स्क्वीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये स्क्वीज आपका हो जाता है उसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब कभी भी आपका सपोर्ट ब्रेक हो, जैसे यहाँ पे आपका सपोर्ट ब्रेक हो रहा है और ये स्क्वीज का रेजिस्टेंस आपका इस जगह पे है। ऑलराइट, मैं डिस्क्लोजर में पहले दे दूं कि यहाँ पे एक फेक आपका ब्रेकआउट यहाँ पे इस स्टॉक ने अंदर आपको दिया है और इस फेक ब्रेकआउट में आई एम अश्योरिंग यू कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा अगर आपने स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया होगा। ऑलराइट, लेकिन इस फेक ब्रेकआउट से भी कैसे बचा जाए उसकी भी मैं आपको टूल्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, सो डू नॉट वरी फॉर दैट। तो नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि अगर हम यहाँ पे सपोर्ट को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे सपोर्ट के। सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट की लाइन में प्लॉट कर देता हूँ। अभी देखो सपोर्ट में जब ये टच हो रहा है ना, ये टच मेरे किसी काम का नहीं। ऑलराइट, व्हाट आई नीड एक कैंडल जो इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करे और जिस कैंडल ने इसको क्लोज किया होगा ये कैंडल मेरा होगा
कंफर्मेशन कैंडल, क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक करना ये ब्रेकडाउन की एक निशानी होती है, और जिस कैंडल ने इसको कंफर्म किया विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग, तो वो मेरे लिए कहलाया जाएगा कंफर्मेशन कैंडल। और एंट्री कैंडल कौन सा होगा, ये जो कैंडल है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल है फॉर अ सेलिंग साइड, तो इसका लो जैसे ही ब्रेक करेगा जिस कैंडल ने इसको किया होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ एंट्री कैंडल। अब ये हो सकता है कि मान लीजिए कंफर्मेशन कैंडल ऐसा हुआ, उसके बाद चार पांच कैंडल ऊपर बना, उसके बाद या सातवां आठवां कैंडल नीचे अगर यहाँ पे क्रॉस करे, तो क्या मैं इसे एंट्री कैंडल कंसिडर कर सकता हूँ, तो टेक माई थम्स अप, आंसर इज यस। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये जो ग्रीन कलर, ये जो रेड कलर की कैंडल है, दिस इज योर कंफर्मेशन कैंडल, एंड इमीडिएटली उसके बाद जो कैंडल बनी दैट इज योर एंट्री कैंडल। तो इस स्टॉक ने आपको एंट्री तो आपको डेफिनेटली दे दी, और ये एंट्री आपको मिली अप्रॉक्सिमेटली 3033 लेवल के ऊपर, और यहां से ये जो स्टॉक ने गिरावट दी है दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 351 पॉइंट्स, एंड दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 11.60%। ऑलराइट, अब यहाँ पे एंट्री आपने समझ ली। अब ये एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो किसी भी स्टॉक में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हायरार्कीज बताता हूँ आपको, अगर स्क्वीज के अंदर आपको पैसा बनाना है तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक के अंदर आपको बहुत ही परफेक्ट है ट्रेंड चाहिए, या तो ये अप डायरेक्शन में हो या तो ये डाउन डायरेक्शन में हो। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम किसे ट्रेंड डिफाइन करिए, ट्रेंड इसको आप डिफाइन तो करो, तो एनी प्राइस एक्शन विच इज अप्रॉक्सिमेटली मिनिमम 10% to 20%, 10% मिनिमम होना चाहिए, 20% रहा तो बेस्ट, उसके बाद जब आपका यहाँ पे जो प्राइस है ये आपका कंसोलिडेशन फेज के अंदर आ जाए, जिसे हम यहाँ पे स्क्वीज भी हम कहते हैं। ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी नीडेड, एंड स्क्वीज होने के बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए एंड हमें यहाँ पे एंट्री कैंडल चाहिए। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट मिले एंड हमें फेक ब्रेकडाउन मिले। नाउ ये इसलिए आपको मिलेगा बिकॉज ये स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं है, हर एक ट्रेड करोगे हर एक ट्रेड में आपको स्काई रॉकेट पैसा नहीं मिलने वाला, सो देर आर सर्टन कंफर्मेशन विच यू मे नीड टू लर्न, और वो हम किसी और लेक्चर के अंदर हम जरूर देखेंगे। तो ये स्क्वीज मिलने के बाद देखो 11% का प्रॉफिट मिला, तो अगर 11% का प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर अगर आपने एंट्री ली है, ऑलराइट, तो आपने एंट्री देख लिया, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस के यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, जनरली लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर मैंने स्क्वीज के ऊपर एंट्री लिया है, लेट्स से अगर मेरे ब्रेकडाउन पे यहाँ पे मैंने एंट्री लिया है, तो ब्रेकडाउन के बाद जो मेरा रेजिस्टेंस है ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट ये स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, उसको ना रख के आई बिलीव दैट जब यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे मेरा लेट्स से दिस इज माय एंट्री कैंडल, ऑलराइट, तो एंट्री कैंडल के समय ये जो मेरा बीच का जो लाइन है विच इज बेसिकली अ मूविंग एवरेज ऑफ 20 इन अ बॉरिंजर बैंड, ये आपका होगा स्टॉप लॉस एंड ट्रिगर स्टॉप लॉस बोथ। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो अब तक यहाँ पे दो आई हैव मेड ऑलमोस्ट 11% प्रॉफिट, लेकिन अब तक ये ट्रेल स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी भी मैं इस पोजीशन के अंदर हूँ। एंड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल होता है, इफ यू आर इन अ ट्रेड एंड इफ यू आर इन अ ट्रेंड, तो अपनी पोजीशन को ट्रेल करना ही ये सही डिसीजन है। अब इसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कैसे करें, उसके लिए या तो आप फिक्स टारगेट रखिए या तो आप ट्रेल स्टॉप लॉस रखिए, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया विद द हेल्प ऑफ एशियन पेंट, एंड अगला जो एग्जांपल है दैट इज एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के अंदर भी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा स्क्वीज हमने देखा, चार्ट में आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन हो रहा था ऑन अ बुलिश साइड, ऑलराइट, ये बाय के साइड बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हो रहा था। ऑन अ वेरी क्विक नोट यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला हुआ, स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही टाइट आपका स्क्वीज हुआ, ऑलराइट। एंड जब इतना टाइट आपका स्क्वीज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दो बॉरिंजर बैंड के बीच का जो विड्थ है ये इस लेवल के ऊपर बिल्कुल भी आपका जीरो हो गया, बिल्कुल कम हो गया। नाउ आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये बॉलिंजर बैंड का जो विड्थ है उसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसके अलावा क्या इसका कोई इंडिकेटर ऑसिलेटर या कोई टूल है जिससे हमें पता चले कि हाँ ये स्क्वीज अब ये परफेक्ट स्क्वीज है, ये स्क्वीज अभी बन रहा है या अभी इसको और टाइम है, या ये गलत स्क्वीज है। जब मैं समझ रहा हूँ कि ये स्क्वीज है लेकिन कई बार होता है कि वो स्क्वीज नहीं होता है, तो क्या ऐसा कोई स्क्वीज आपको आइडेंटिफाई करने का कोई इंडिकेटर है, तो आंसर इज यस। एक बॉलिंजर बैंड विड्थ अगर आप देखोगे तो ये इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलेगा, मैं ओपन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे जब ये बॉलिंजर बैंड के अंदर जितना आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ये ऊपर जाएगा, जितना इसके बीच का डिस्टेंस कम होगा ये नीचे जाएगा। तो यू हैव टू सी दैट प्राइस जितना लोएस्ट आपको मिले, ऑलराइट, दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हर एक जगह पे हर एक स्टॉक के अंदर आप इसको लगा सकते हैं, आप इसके स्क्वीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। वंस अगेन इसके अंदर बहुत सारे और डेप्थ में आप यहाँ पे जा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और हम भी करेंगे इन माय प्रैक्टिकल सेशंस, ऑलराइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भी स्क्वीज हुआ, उसके बाद दिस आपका जो ग्रीन कलर का कैंडल है दिस इज माय कंफर्मेशन कैंडल, एंड जैसे ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेट मी जस्ट यू नो प्लॉट दिस हाई, ये मेरा ब्रेक हुआ इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट कैंडल। आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट को, मैं अगर मैं जूम कर दूं तो ये मेरा एक कंफर्मेशन कैंडल था, सॉरी, एंड दिस वाज माय एंट्री कैंडल। तो एंट्री कैंडल मुझे मिल गया, यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया, मेरा एंट्री का प्राइस यहाँ पे क्या था 1071। तो एंट्री प्राइस से लेके अब तक का अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट में देखूं तो कितना प्रॉफिट मुझे मिल रहा है,
तो 6.63% का दैट वाज अ मैक्सिमम प्रॉफिट जो मुझे इस वीक के अंदर मैंने देखने को मुझे मिला था। एंड अगर मैं सीएमपीपी में अगर मैं देखूं तो सीएमपी पे भी मुझे ऑलमोस्ट 5% का प्रॉफिट यहां पे मिल रहा है। नाउ यहां पे एक चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी आप यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो जब भी कोई स्टॉक 10% आपके फेवर में जाएगा, यानी अगर आपने बाई करके रखा है और आपका स्टॉक 10% अगर राइज कर गया, तो ऑलमोस्ट फ्यूचर में जो भी आपका स्पान मार्जिन है उसके अगेंस्ट मतलब उतना ही पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी के अंदर मैं मेरा जो स्पान मार्जिन रिस्क मार्जिन मिला के अगर 1,05,000 है एंड 10% का अगर प्राइस एक्शन निफ्टी में आ गया तो यहाँ पे 1 लाख के सामने जो मेरा प्रॉफिट होगा दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट टू व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड। ऑलराइट, तो 10% पे पैसा डबल होता है फ्यूचर्स के अंदर। ये सिंपल चीज आपको याद रखनी है, कम ज्यादा किसी में हो सकता है बेस्ड ऑन द लॉट साइजेस, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10% अगर आपका स्टॉक आपके फेवर में गया फ्रॉम एंट्री पॉइंट तो आपका पैसा डबल होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 50% पैसा मुझे मिला। और एशियन पेंट जो हमने इसके पहले वाला जो स्टॉक देखा था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 11% का प्रॉफिट इवन एट द सीएमपी आपको मिल रहा है। तो एशियन पेंट में भी आपका पैसा जो है ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे हो सकता है और एचसीएल टेक में भी हो सकता है। नाउ आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे, सर ये तो सारी चीजें हो गई उसके बाद आप इसको बता पा रहे हो, सब कुछ अच्छी बात है, तो ये होने के पहले हमको कैसे पता चले? तो आंसर इज आपका होमवर्क। आपको ऐसे स्टॉक देखने पड़ेंगे और उसके लिए आप देख सकते हो कि हर हफ्ते में एवरी वीकेंड में जब आप एनालिसिस करो होमवर्क करो तो आप चेक करो कि पिछले हफ्ते के टॉप गेनर्स कौन से थे, पिछले हफ्ते के टॉप लूजर्स कौन से थे, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसने रीसेंट स्विंग जो है उसमें 10% या 15% का एक प्राइस एक्शन दिया हो, एदर बुलिश साइड और बेरिश साइड। आप टॉप टू बॉटम एनालिसिस कर सकते हो, टॉप टू बॉटम अप्रोच रख के भी आप यहाँ पे सेक्टर मेजर इंडेक्स, फिर आपका सेक्टर इंडेक्स, फिर आपके स्टॉक ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ऑनेस्टली आई वुड से देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू फाइंड सच काइंड ऑफ स्टॉक, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, होमवर्क भी करना पड़ेगा और एनालिसिस भी करना पड़ेगा। एंड अगर एवरी संडे अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ आप होमवर्क करना चाहते हो, मेरे स्टॉक्स अगर आप देखना चाहते हो, तो ऑल यू नीड टू डू इज ज्वाइन माई एक्सेल इंट्रोड्यूस कोर्स विच इज इंडियाज दी मोस्ट अफोर्डेबल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जिसमें हर रविवार को मैं आपके सामने लाइव आता हूँ, स्टॉक एनालिसिस में करता हूँ, केस स्टडी में करता हूँ, टॉप टू बॉटम एनालिसिस में करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस में कैसे ट्रेड लिए जाएं, क्यों ट्रेड लिए जाएं, कब ट्रेड लिए जाएं, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके आउटलुक के साथ मैं अपनी स्ट्रेटजीज भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये सारी चीजें हम करेंगे व्हेन यू जॉइन टू माय एक्सेलेंट ट्रेडर्स कोर्स। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो अभी और एक हमने देखा कि जैसे स्क्वीज तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। द नेक्स्ट इन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ डोजी। नाउ मैं आपको बताऊं कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ अ डोजी कैंडल, क्योंकि मुझे ये कैंडल न्यूट्रल इसकी प्रॉपर्टी है और ये कैंडल इसलिए पसंद है क्योंकि जब भी एक बड़े ट्रेंड के बाद ये कैंडलस्टिक बनती है तो अपने आप में ये लॉस ऑफ मोमेंटम एंड पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल ये सारी चीजें ये कैंडलस्टिक बताती है, इसलिए आई लव द डोजी। तो मैंने स्पेशली आपके लिए तीन मैंने यहाँ पे केस स्टडीज निकाले हैं निफ्टी एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, तो मैं आपको वन बाय वन मैं आपको लेके जाता हूँ कि इसको देखना कैसे है। नाउ सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये डोजी क्या दर्शाती है, डोजी इंडिकेट्स यू अ पोटेंशियल लॉस ऑफ मोमेंटम एंड ट्रेंड रिवर्सल। तो लॉस ऑफ मोमेंटम और ट्रेंड रिवर्सल इस दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेंड। तो जब भी कोई एक बड़ा प्राइस एक्शन आ जाए, ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल इस निफ्टी को अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में अगर मैं जाके यहाँ पे चेक करूं, इफ यू कैन सी दिस, तो एक बहुत ही बड़ा प्राइस एक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे निफ्टी था 18,100 अप्रोक्सीमेटली और इस जगह पे आपका निफ्टी है अराउंड 15,200। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि 18,100 से 15,200 ये बहुत बड़ी गिरावट है। डेफिनेटली इसके बीच में बहुत सारे कंसोलिडेशन एंड पुल बैक्स आए, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्विंग हाई टू स्विंग लो ये बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो इस डोजी में यू हैव समथिंग। ऑलराइट, लेट मी जस्ट पॉइंट कि यहाँ पे आपके पास क्या है इस जगह पे। सबसे पहले यू हैव अ डोजी। ऑलराइट, डोजी अपने आप में एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक है और एक ट्रेंड के बाद बनती है, तो ये एक आपको लॉस ऑफ मोमेंटम भी आपको दर्शाती है। ऑलराइट, दूसरा ये जो हमारा M2B2 का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आउटसाइड ऑफ द बैंड ये हमारा डोजी बना है, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तीसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपको यहाँ पे एक ट्रेंड के बाद से आफ्टर दिस ट्रेंड अगर आपको डोजी मिले तो कभी भी आपको ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं करना विच इज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। राइट, तो इस डोजी के बनने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए आपको इसके डायरेक्शन में, यानी मेरा प्रीवियस ट्रेंड क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी सेल साइड मुझे कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और अगर मैं लूंगा तो मुझे समझ लेना है दैट मेरी एक्यूरेसी, मेरा परफॉर्मेंस, मेरा रिजल्ट जो है वो काफी कम होगा। राइट, और इसीलिए कहा जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस में एक पैटर्न है विच इज कॉल्ड कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। नाउ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक स्किल है। जब आपका स्टॉक है बड़ी तेजी से अगर गिर रहा है तो उस समय उसको बाई करना, मतलब ऐसे लेवल पे बाई करना विच इज द पॉइंट वेर योर रिस्क टू रिवॉर्ड इज इन योर फेवर। तो अगर ऐसे आपकी कोई अप्रोच आपका है या ऐसे कोई स्ट्रेटेजी अगर आप चाहते हो तो डोजी इज वन ऑफ दैट, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बाई एट बॉटम सेल एट टॉप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आपका हेल्प करेगा। सो यहाँ पे कन्फर्मेशन आपको लेने पड़ेंगे। वॉट आर द कन्फर्मेशन? कन्फर्मेशन को बी योर डबल टॉप और डबल बॉटम। तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या इतिहास में कभी ऐसा बना है कि ये मेरे पास कोई इतिहास में ऐसा कोई ये सपोर्ट यहाँ पे रहा हो, और अगर है
तो यहाँ पे आपको ये वाला भी एक कन्फर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड अनदर कन्फर्मेशन कुड बी अ वॉल्यूम। तो अगर इतनी चीजें आपने देख ली तो आपका जरूर पैसा बनेगा। अगर इस एग्जाम्पल की बात मतलब इस स्टॉक की बात अगर हम देखें तो निफ्टी ने कितना यहाँ पे जम दिया। अगेन ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मैं सिंपली आपको मैं बता रहा हूँ द पावर ऑफ डोजी एंड द पावर ऑफ M2B2। तो इस लेवल के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 17% का प्राइस एक्शन यहाँ पे आ चुका है, और ये 17% यानी 2591 पॉइंट का निफ्टी ने जंप यहाँ पे दे दिया। मैंने पहले ही बताया 10% पे जो आपका पैसा है वो डबल होता है, तो यहाँ पे वंस अगेन आई वुड से आपका पैसा डबल होने के चांसेस हैं। नाउ क्या हर बार आपका पैसा डबल होगा ही होगा? नहीं होगा, ऑलराइट। लेकिन साल में अगर 3 से 4 ट्रेड भी अगर आपने ऐसे ले पाए, ऑलराइट, तो भी मुझे लगता है कि इनफ है। बाकी के सारे जो ट्रेड है उसमें कहीं पे प्रॉफिट होगा कहीं पे लॉस होगा, बट अल्टीमेटली ये जो बड़े स्विंग्स हैं अगर आप ये बड़े स्विंग को कैच कर पाए तो दूसरे छोटे छोटे प्रॉफिट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दैट इज अवर फर्स्ट स्टॉक जो मैंने बताया निफ्टी। उसके बाद अगला जो स्टॉक है दैट इज HDFC। सो देखो यहाँ पे HDFC मैंने ओपन करके रखा है, यहाँ पे इस जगह पे HDFC का हाई था अराउंड 3021, यहाँ पे इसका जो लो बना दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 2100, दो उसके नीचे भी काफी गया, लेकिन ये वाला जो डोजी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3021 से लेके 2100 तक यहाँ पे जा चुका है आउटसाइड ऑफ द बैंड। मैंने पहले कहा कि जब आउटसाइड बैंड में डोजी आपका बने तो फिर उस ट्रेंड के डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे ट्रेंड मेरा नेगेटिव है तो उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा ऑन अ सेल साइड उन्होंने डेफिनेटली लॉस किया होगा। अब आप यहाँ पे अगर आपने बाई किया होता तो यहाँ से जो एक जंप आपको HDFC के अंदर मिला है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 36%। कंसीडर दिस एज अ पोटेंशियल प्रॉफिट। इसमें कितना आप ले सकते हैं ये आपकी अपने स्किल के ऊपर निर्धारित करता है। तो दूसरा स्टॉक मैंने आपको बताया HDFC, एंड तीसरा जो स्टॉक मैं आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूं दैट इज ICICI। सो ये है मेरा ICICI। एक्चुअल में आप देखोगे तो ये स्टॉक यहां से फ्रॉम द 531 लेवल एक नॉन स्टॉप रैली इसने दिया फ्रॉम द 800 टिल 867, एंड यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे दो वेरी बिग कैंडल आउटसाइड ऑफ द M2B2, लेकिन उसके बाद द सेकंड कैंडल इज माय डोजी, और डोजी के लो होने पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो जो लो है वो आपका यहाँ पे बना है। सो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स देखूं तो ये डोजी के बाद आउटसाइड ऑफ द बैंड की डोजी के बाद कितना प्रॉफिट मिला तो दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 13%। वंस अगेन आपके पैसे डबल होने के चांसेस हैं, हालांकि उसके बीच में आपको स्क्वीज भी मिला था। कई बार होता क्या है कि हम जो है एंट्री को मिस कर जाते हैं, तो अगर ये बीच में अगर आपको ये कैंडल मिला होता तो ये ग्रीन कलर का कैंडल दिस वुड बी योर कंफर्मेशन कैंडल, दिस वुड बी योर एंट्री कैंडल, तो अगर यहाँ पे आपने री एंट्री भी लिया होता तो भी आपको इस ट्रेड में बड़ा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल सकता था। दिस प्रॉफिट इज अप्रोक्सीमेटली 9.81%। तो देखो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको स्क्वीज बताया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपका आउटसाइड बैंड के ऊपर मैंने डोजी के बारे में बताया। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। नाउ वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टू अंडरस्टैंड कि ये जो कैंडलस्टिक है ऑलराइट ये आपको पिन पॉइंट बता सकती है, लेकिन जो स्विंग है उसका रिवर्सल कैसे आपको मिल सकता है या आपका जो स्टॉक है ओवरऑल ये रिवर्सल कब किस दिशा में जाएगा, ये अगर आपको जानना है तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा विच इज कॉल्ड पैटर्न M एंड पैटर्न W। तो जैसे नाम है M कुछ इस तरीके से बनता है, W कुछ इस तरीके से बनता है। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा अगर पैटर्न है विच इज M, ऐसा अगर पैटर्न है दिस इज W, ऑलराइट। तो यहाँ पे जब स्टॉक मेरा एक अप ट्रेंड में है, ऑलराइट मैं सारे ड्राइंग को डिलीट कर दूं, स्टॉक मेरा अप ट्रेंड में है और उसके बाद अगर ऐसा पैटर्न बने तो समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और इमीडिएटली जैसे देखो मान लीजिए लेट्स से 0.1, 0.2, 0.3 बनता है, इसी समय आपके कान खड़े हो जाने चाहिए क्योंकि ये जो आपका है दिस इज लेट्स कंसिडर दिस एज योर यू नो सपोर्ट एंड लेट्स कंसिडर दिस एज योर रेजिस्टेंस। एंड अगर आपका स्टॉक लेट्स से यू आर बुलिश, ऑलराइट, अब बुलिश ट्रेंड की निशानी क्या होती है कि हर एक बार जो आपका हाई है वो आपका यहाँ पे ब्रेक होगा, इसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड, एंड जब आपका लो ब्रेक होता है तो इसे यहाँ पे कहते हैं बेरिश ट्रेंड, ऑलराइट। तो यहाँ पे जब आपके स्टॉक ने इस जगह पे हाई बनाया, ये प्रीवियस हाई से अगर मैं इसे हाई कंसिडर करूं तो ये एक लोअर हाई हो गया, तो अप ट्रेंड में लोअर हाई का फॉर्मेशन नहीं बनता, इसका मतलब यहाँ पे इट्स अ क्लियर कट साइन ऑफ पोटेंशियल लॉस ऑफ मोमेंटम, यानी जो मेरा बुलिश ट्रेंड है अब यहाँ पे ये कमजोर हो रहा है, तो उस केस में आपको अपना एग्जिट जो है उसको चुनना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं एक सिंपल चीज क्या करता हूँ कि सबसे पहले आप लोग के लिए एक यहाँ पे मैं यू नो स्विंग्स में यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। स्विंग्स प्लॉट करने के लिए आप और एक चीज यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि ये मैनुअल चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन अगर और एक चीज आप करना चाहते हो तो आप हमारे स्कूल वाले प्लेटफॉर्म पे जाके जिगजैग इंडिकेटर को सीख सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज आपको हमारी स्कूल वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है और यहाँ पे इस जगह पे आप सर्च करिए जिगजैग। तो ये देखो आप ये दो सेशंस मेरे जिगजैग के अंदर है। दिस अरियंत इज ऑब्वियसली इज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स, बट दिस 603 वाला जो लेक्चर है यहाँ पे जाके आप जिगजैग की सारी जानकारी ले सकते हैं, एंड यहाँ पे कुछ आपको नोट्स भी आपको मिलेंगे जो आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे इफ यू जस्ट लुक एट दिस चार्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ कि निफ्टी एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस लेवल से निफ्टी एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड के अंदर है, ये हम सभी को यहाँ पे दिख रहा है, उसके लिए मुझे किसी चार्ट इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये हाई जो है विच इज अप्रोक्सीमेटली 18,800 का हाई बनाने के बाद ये आपका लो बना विच इज अप्रोक्सीमेटली 17,900 का, सॉरी 800 वाला लेवल, और उसके बाद ये वाला जो हाई बना यहाँ पे आपका एक कंसोलिडेशन फॉर्म हो गया। नाउ कंसोलिडेशन यहाँ पे फॉर्म होना अपने आप में थोड़ा सा ये एक मुझे लगता है कि गड़बड़ वाला काम है, क्योंकि इफ यू आर इन अप ट्रेंड
ऑलराइट। तो अप ट्रेंड में इस लेवल के पास अगर आप कंसोलिडेशन कहते हैं तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। लेकिन जब आप यहाँ पे कंसोलिडेशन कुछ बीच वाले एरिया में करते हो तो ये एक ट्रिकी वाला एरिया हो जाता है, फिर ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस एक आपका जो बफर एरिया है ये बड़ा बन जाता है। हालांकि ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट है जो कि आप प्रैक्टिस करने पे खुद ही सीख सकते हो, या अगर आप चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, टॉक टू योर कस्टमर केयर एम्प्लॉय। ऑलराइट, तो यहाँ पे निफ्टी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका ब्रेक कर दिया, और जैसे ही सपोर्ट आपका यहाँ पे ब्रेक कर दिया यहाँ पे आपका डोजी बन रहा है, एंड ये जो डोजी है ये कंप्लीट हुआ नहीं है बिकॉज ये जो सेशन है ये मैं लाइव मार्केट में कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे ये डोजी बन गया इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट आपको दो सिग्नल दे रहा है। सबसे पहला एक तो ये जो कंसोलिडेशन दिया, ऑलराइट, उसके बाद ये वाली जो कैंडल है दिस इज योर ब्रेकडाउन कैंडल, और ब्रेकडाउन कैंडल के बाद डोजी बनना। डोजी क्या दर्शाती है? लॉस ऑफ मोमेंटम। लॉस ऑफ मोमेंट में यानी क्या? ट्रेंड आपका कमजोर हो रहा है। अब क्या यहाँ पे ट्रेंड आपके पास है क्या? द आंसर इज नहीं, कोई ट्रेंड है ही नहीं, बिकॉज दिस कैंडल इटसेल्फ इज अ ब्रेकडाउन कैंडल। तो जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की कैंडल जहां से ट्रेंड शुरू होना चाहिए, अब ट्रेंड अगर शुरू हुआ ही नहीं तो आपका खत्म कैसे होगा? इसीलिए डोजी हियर गिव्स यू अनदर कंफर्मेशंस, एंड विद द हेल्प ऑफ पैटर्न डब्ल्यू आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई साहब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, एंड इस तरीके का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पैटर्न डब्ल्यू। ऑलराइट, इसके ऊपर भी मैं बहुत ही डिटेल में एनालिसिस मैं करूंगा, एंड आई थिंक मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर किया, लेट मी जस्ट सर्च कैन आई हैव दैट सेशन हियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैटर्न डब्ल्यू प्राइस एक्शन एनालिसिस वेव एनालिसिस ये लेक्चर ऑलरेडी है, एंड यू कैन एक्सेस दिस लेक्चर। आप सिंपली यहाँ पे सर्च करो, देखो आपको जो भी सीखना है आप हमारे स्कूल वाले प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप वहां पे सर्च करो, आपको वो लेक्चर डेफिनेटली मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अच्छा, ये स्कूल वाले प्लेटफॉर्म की जो लिंक है, ये जो सारे फ्री लेक्चर्स हैं इसके लिए यू सिंपली नीड टू रजिस्टर, कोई चार्ज आपको नहीं पे करना है। इसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर पाओगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी जस्ट कम बैक टू द टॉपिक। तो हमने पैटर्न एम और पैटर्न डब्ल्यू देखा, एंड हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम इसको हम कभी भी भूल नहीं सकते, एंड मुझे लगता है कि दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आई विल कम बैक टू मारुति स्टॉक, एंड मारुति के स्टॉक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं चार्ट को मैं यहाँ पे जूम आउट कर दूं जिससे मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं यहाँ पे दे पाऊँ। ऑलराइट, इफ यू कैन लुक एट दिस स्टॉक, तो यहाँ पे मारुति ने देखो, मैं पहले ये स्विंग्स में मैन्युअली प्लॉट कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको ये मैन्युअली प्लॉट नहीं करना तो आप ज़िगज़ैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम यूजिंग द मैनुअल टूल जस्ट टू हेल्प यू एंड जस्ट टू हेल्प यू इन डूइंग द प्रैक्टिस कि स्विंग किस तरीके से प्लॉट होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे स्विंग्स मैं यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ। कुछ स्विंग्स हालांकि मैंने मिस कर दिए, बट दैट्स फाइन बिकॉज माई इंटेंशन इज ओनली टू टीच। सो यहाँ पे मैंने कुछ स्विंग्स मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी। अब कुछ समय के लिए मैं आपका ये जो बॉरिंजर बैंड है उसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पे एक आफ्टर अ ब्यूटीफुल अप ट्रेंड आपको एक फॉर्मेशन मिला विच इज कॉल्ड अ डबल टॉप फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे सर डबल टॉप तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल पिन पॉइंट से निकल जाना चाहिए। हाँ जरूरी होना चाहिए, लेकिन हर बार जो चीजें आपने थियोरेटिकल सीखी हो बिल्कुल वही चीज प्रैक्टिकल में होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस से पहले रिवर्स हो जाता है, कई बार ये एक फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन देता है उसके बाद रिवर्स होता है। तो इसे भी आपको डबल टॉप डबल बॉटम के यू नो कॉन्सेप्ट के अंदर ही आपको रखना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक सम एडिशनल मनी। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि डबल टॉप हुआ उसके बाद बहुत तेज से गिरा, और इस जगह पे अब मैं वापस बॉरिंजर बैंड अगर मैं लगा दूं तो आप देख सकते हो कि बहुत ही शार्प प्राइस एक्शन हुआ कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऑन दिस एरिया कंटिन्यूअसली। आपकी कैंडलस्टिक जो है Let me just come back to this. तो continuously आपकी candle outside of the band ये close कर रही, लेकिन कहीं पे भी doji आपको नहीं मिला। तो Bollinger Band में सिर्फ outside of band में close करने के बाद बहुत सारे softwares आपको signal देते हैं, बहुत सारे services आपको signal देते हैं, scanner signal देते हैं, लेकिन हर एक band के बाहर जो closing है ये हर बार exhaustion या end of trend या climax of trend का सूचक नहीं होता। इसलिए you have to learn to differentiate कि भाई कौन सा breakout है, even outside of the band है कौन सा breakout है, एंड कौन सा आपका एंड ऑफ ट्रेंड है या लॉस ऑफ मोमेंटम है वो आपको समझना पड़ेगा। इस जगह पे यहाँ पे डोजी की जगह पे मुझे हैमर दिखा। अब हैमर अपने आप में आई नो इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन मोर देन हैमर अगर इस लो को मैं प्लॉट यहाँ पे कर दूं तो मुझे पता चलता है कि इसी लेवल के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत ही अच्छा एक आपका रेजिस्टेंस एरिया जो सपोर्ट एरिया जो था उसी एरिया के पास मारुति ने यहाँ पे आपका स्टॉक दिया स्टॉप आपका बनाया। तो इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक के पास हमारे पास क्या क्या कंफर्मेशन थे पहले देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड अवेलेबल था जिसकी इमीडिएट शुरुआत यहाँ पे हुई थी, लेकिन एक्चुअल में शुरू ये पहले हुआ था। उसके बाद एक कंटिन्यूअस आपको आउटसाइड ऑफ द बैंड आपको क्लोजिंग आपको मिले, कई सारे मिले हैं। थर्ड वन इज आपको यहाँ पे एक हैमर का एक आपको सूचक मिला, राइट, एंड द फोर्थ वन इज आपको डबल बॉटम आपको यहाँ पे मिला। अगर आप यहाँ पे पोजिशन अपनी क्लोज कर पाते, राइट, तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की होती तो आपका ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है यहाँ पे, क्योंकि एमए जो है ये हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस है, और आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 20% का जंप आया उसके बाद आपका ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। सो यूज द डबल टॉप एंड डबल बॉटम
इन ऑर्डर टू लॉक योर प्रॉफिट, एंड इतना बड़ा प्रॉफिट अगर आप मार्केट को वापस नहीं देना चाहते हो तो डबल टॉप एंड डबल बॉटम आपको सीखना पड़ेगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डबल टॉप एंड डबल बॉटम का भी जो लेक्चर है ये अवेलेबल है, सो लेट मी जस्ट फाइंड इट हियर। सो यस, यू कैन सी दिस डबल टॉप, एवरीथिंग अबाउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम आप यहाँ पे देख सकते हो। ये लेक्चर भी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे स्कूल वाले प्लेटफॉर्म पे, जाके आप इसको सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, तो हमने अब तक यहाँ पे क्या देखा कि भाई एडवांस M2 D2 में स्क्वीज इंपॉर्टेंट है, डोजी इंपॉर्टेंट है, पैटर्न M, पैटर्न W एंड आपका डबल टॉप एंड डबल बॉटम, इतना अगर आपने कर लिया तो दैट्स इट, यू आर डन। इससे ज्यादा आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट आर द स्ट्रेटजीज? आई बिलीव दैट इफ यू वांट टू अर्न बिग मनी एंड स्पेशली इन दैट सिनेरियो, जब आपका कैपिटल काफी कम है, अगर आपका कैपिटल 5 लाख से कम है तो कोशिश करो कि आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सको। जब भी आपको स्क्वीज के बाद, एक स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिले तो आप वहां पे नेकेड कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो, एंड वहां पे अगर आप करना चाहो तो आप एट द मनी बाय कर सकते हो, लेकिन एट द मनी का प्रीमियम ज्यादा होगा। तो आप क्या करिए कि आपका आउट ऑफ द मनी, जहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 से 10 हजार के बीच में हो, बेस्ड ऑन मनी आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करिए और उसके बाद आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अब आप ये भी चीज कर सकते हो कि पहले आप वो सारे स्टॉक निकालो कि जहां पे ऑप्शन लिक्विड है, एंड उसी स्टॉक के अंदर आप यहाँ पे अपना एनालिसिस करो, इवन दैट इज द राइट अप्रोच। ऑलराइट, एंड अगर आप यहाँ पे एट द मनी बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉल स्प्रेड पुट स्प्रेड ले सकते हो, लेकिन मैं आपको कवर पुट का भी मैं सजेशन आपको मैं दूंगा। सो व्हाट इज अ कवर पुट? आप यहाँ पे फ्यूचर बाय करो एंड फ्यूचर के साथ साथ आप एट द मनी का पुट ऑप्शन आप बाय करो। फ्यूचर अगर मान लीजिए कि निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो, आप स्क्वीज के बाद आप ट्रेड कर रहे हो, आपने फ्यूचर बाय किया और पुट बाय किया, साधारण सिनेरियो में अगर सिर्फ आप फ्यूचर बाय करोगे तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा समवेयर अराउंड 1,10,000 के आसपास अप्रॉक्सिमेटली, लेकिन अगर आप पुट साथ में बाय करोगे तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस डाउन टू 30,000 और 40,000, तो ऑलमोस्ट आपका 60-70% आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो सकता है अगर आपने यहाँ पे कवर पुट इस्तेमाल किया तो। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो हमारे स्विंग्स हैं वो बहुत क्लियर नहीं होते एंड फ्यूचर लेने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, तो उस समय आप यहाँ पे कॉल स्प्रेड एंड पुट स्प्रेड ले सकते हो। व्हाट आर द कॉल एंड पुट स्प्रेड? अगर आप जानना चाहते हो तो जस्ट राइट CPS इन अ कमेंट सेक्शन। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग CPS लिखेंगे तो एक स्पेशल सेशन मैं CPS के लिए मैं करूंगा और ये मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो दिस इज द होल पर्पस ऑफ दिस सेशन कि आप यहाँ पे बड़े पैसे बनाए, एंड ये बड़े पैसे कमाने के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए, ये सारी स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बताई, मैंने आपको कुछ टूल्स एंड ट्रिक्स भी मैंने आपको बताए, एंड साथ साथ में मैंने आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी एंड केस स्टडीज भी मैंने दी, तो आपको ये आपको ध्यान रखना है। सो व्हाट शुड बी योर रियल टारगेट? देखो, अगर स्टॉक मार्केट में आपको बड़ा पैसा बनाना है और स्टॉक मार्केट में टिके रहना है तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आपका जो कैपिटल है दैट यू मस्ट इंक्रीज टू 10 लाख रुपीज। अभी आपका कैपिटल क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इसको 10 लाख में इंक्रीज आपको करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो? पहले आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप जो भी आपका एक लमसम इन्वेस्टमेंट अभी आपका जो होगा उसको आप चालू रखिए और उसके अंदर बड़े ट्रेड लेने की आप कोशिश करिए विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। लेट्स से अगर आपका कैपिटल, एक अनुमान लगाते हैं कि भाई आपका कैपिटल है लेट्स से 50,000 फॉर एग्जांपल, ऑलराइट, तो अगर आप 5,000 रुपए एक ट्रेड में अगर आप लॉस करोगे तो भी आपको 10 मौके मिलेंगे और 10 में से अगर आपका कोई एक ट्रेड भी अगर आपका चल गया तो ये 5,000 का प्रीमियम है। ये अगर आपको इसके ऊपर 400 या 500% भी, आपने देखा होगा कि आपका जो 2 रुपए का कॉल है ये 20-50 रुपए हो जाता है, तो वो 10x 20x होता है। तो अगर कोई एक ट्रेड भी अगर आपका 10x यहाँ पे हो गया तो आपका पूरा की पूरा कैपिटल वापस आ गया। इसका मतलब यू आर बैक इन द मार्केट और बैक इन द गेम, तो आप गेम में से आउट नहीं होंगे। और इसलिए अच्छे स्टॉक आप ढूंढिए, अच्छे शेयर्स, अच्छे प्राइस आप ढूंढिए, जल्दबाजी मत करिए, लेकिन ऑप्शंस में ट्रेड करिए एंड अपने जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको बचाइए। टॉप अप इन्वेस्टमेंट ये करके आप यहाँ पे SIP के माध्यम से कोई भी अच्छा स्टॉक जब आपको डिस्काउंट में मिल रहा है उसको आप लीजिए, एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, मार्केट गिरे, उस समय आप टॉपअप कीजिए एंड आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपको करना ही चाहिए। वंस अगेन, अगर इसके ऊपर आपको कोई और लेक्चर चाहिए और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि मैं इसके ऊपर कोई लेक्चर बनाऊ, केस स्टडी बनाऊ, फ्रेमवर्क बनाओ, तो आप यहाँ पे SIP इन अ कमेंट सेक्शन लिख दीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग SIP लिखेंगे, आई जस्ट मेक अ सेशन कि जहां पे किस तरीके से आप टॉपअप करके अपने कैपिटल को 10 लाख आप बना सकते हैं, एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, क्यों करें, कैसे स्टॉक में करें, मार्केट गिरा तो क्या, मार्केट बढ़ा तो क्या, मेरा कैपिटल इतना ही है, मैं कौन सा स्टॉक लूँ, कैसे लूँ, कौन सा सेक्टर लूँ, कौन सा बिजनेस को मैं सेलेक्ट करूँ, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ये सेशन मैं करूंगा, उसके लिए यू जस्ट नीड टू राइट SIP इन अ कमेंट सेक्शन। Alright, so your first target in the year 2023 के कुछ भी आप करिए, मेहनत करिए, नया इन्वेस्टमेंट करिए, प्रॉफिट कमाइए, लेकिन 10 लाख का कैपिटल ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा। एंड उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल्स के स्टॉक मार्केट के अंदर आप जो चीज दिख रही है उसको कभी भी बिलीव मत करो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल अ ब्रेकआउट। Alright, जब भी आपका कोई स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेकआउट। लेकिन इसी टेक्निकल एनालिसिस में और एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल अ फेक ब्रेकआउट। Alright, तो हर ब्रेकआउट को, हर ब्रेकडाउन को आप एक नया, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं देख सकते। यू हैव टू लर्न अबाउट द कंफर्मेशंस, यू हैव टू लर्न अबाउट द स्विंग्स एंड यू हैव टू लर्न अबाउट द प्राइस एक्शन। जितना सिंपल दिखता है
हर बार उतना सिंपल स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस नहीं होगा, तो इस चीज को आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सो आई होप ये आप याद रखेंगे। सेकेंड प्रिंसिपल, यू मस्ट हैव अ फिक्स प्लान, राइट। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक ट्रेडिंग जब आप करते हो एंड स्पेशली एट द टाइम ऑफ सेटिंग द टारगेट्स, हम कई बार लालची हो जाते हैं और जितना मिला ले लो, जितना मिला ले लो। ऐसा मत करिए, एक आप फिक्स टारगेट रखिए। जैसे मैं आपको अपना एक प्रिंसिपल में बताता हूँ, ये अभी तो हालांकि मैं इस्तेमाल नहीं करता बिकॉज आई हैव सम डिफरेंट प्लान्स विद मी, बट एक समय में ऐसा मैं करता था कि भाई लेट्स से कि जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने एंट्री अगर मैंने यहाँ पे ली, लेट्स से ऑप्शंस में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं मिनिमम में दो लॉट से मैं अपना एंट्री में लेता था, या तो दो लॉट कॉल बाय करना है या तो दो लॉट पुट बाय करना है। एंड जो फर्स्ट वाला लॉट है, ऑलराइट, ये फर्स्ट वाला लॉट जब भी मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन आ जाता था उस समय में बेच देता था। एंड जो सेकंड वाला जो मेरा लॉट होता था, इसको मैं 100% गेन मुझे जब तक नहीं मिलता था तब तक मैं नहीं बेचता था। इसका मतलब 5,000 रुपए, अगर मान लीजिए कि भाई मैंने, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है लेट्स से 10,000 रुपीज, ऑलराइट, तो पहला ऑप्शन में तब बेचूंगा जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000, ऑलराइट, यानी मेरा नेट प्रॉफिट होना चाहिए कितना 10,000। तो 10,000 में अगर मैंने दो कॉल लिया, इसका मतलब एक कॉल का मेरा प्राइस कितना हो गया 5,000। तो अगर यहाँ पे 5,000 का कॉल मैंने परचेस किया, तो 5,000 के सामने अगर मुझे 10,000 का प्रॉफिट मिला, यानी ये मेरे कॉल की एक लॉट की वैल्यू 15,000 हो जाती है, तब मैं इसको एग्जिट करूंगा। एंड दूसरा जो मेरा है वो मैं तब निकालता था कि ये मेरा 10,000 का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, अब इसके ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट डबल होना चाहिए, यानी 20,000। ये 5,000 का कॉल ऑप्शन जब ये 20,000 हो जाएगा तब मैं बेच दूंगा। तो इस तरीके से मैं दो लॉट में इस समय ऐसे में ट्रेड करता था, और इसके लिए कई बार मुझे रोल ओवर भी मैं करता था, तो इट इज अ पार्ट ऑफ गेम, ऑलराइट। तो ऑप्शंस में रोल ओवर करके टारगेट को कैसे मैच करें, वंस अगेन दिस आर द ऑनगोइंग प्रोसेस, धीरे धीरे आप ये सीख जाओगे। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मैं आपको ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, बट दिस आर द हाईली एडवांस कॉन्सेप्ट जिसकी अभी जरूरत नहीं है। एक यू नो क्लियर द लेवल वन बाय वन, पहले एंट्री को परफेक्ट करो, फिर टारगेट को परफेक्ट करो, फिर ट्रेल स्टॉप लॉस को परफेक्ट करो, फिर स्टॉप लॉस को परफेक्ट करो। यू नो यू कैनॉट रन इन ऑल द डायरेक्शंस एट वन टाइम, एक समय पे एक ही चीज आपको करनी है। चार स्किल्स आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आप इसको वन बाय वन इसको मास्टर करने के बारे में सोचिए। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज टू एस्केलेट योर टर्नओवर। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, कभी किसी समय ऐसा होता था कि भाई मेरे पास पैसा अवेलेबल है टू बाय अ फ्यूचर, राइट। तो इस समय मैं क्या करता था, रेदर देन बाइंग अ फ्यूचर, मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते थे। जैसे मैं यहाँ पे कवर पुट लेता था, तो कवर पुट लेने पर मैंने पहले ही बताया कि अगर ये फ्यूचर बाय करने के लिए मुझे 1,00,000 का कैपिटल चाहिए, तो कवर पुट के लिए मेरा जो कैपिटल है दिस रिड्यूस डाउन टू 30,000। तो मैं यहाँ पे क्या करता था, इंस्टेड ऑफ बाइंग वन फ्यूचर, मैं यहाँ पे ये तीन लॉट जो है मैं कवर पुट ले लेता था। अब मेरा जो प्रॉफिट है दैट वुड बी 3 times, ऑलराइट। एंड जब आपके पास नंबर ऑफ लॉट्स ज्यादा होते हैं ना किसी भी स्क्रिप्ट के किसी भी पोजीशन में, तो आप वहां पे पार्शियल एग्जिट, पार्शियल एंट्री, आप एंट्री, री एंट्री ये गेम आप यहाँ पे खेल सकते हो, और एक ही स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा पैसे आप यहाँ पे कमा सकते हो। तो दैट इज अ कवर पुट। दूसरा मैं यहाँ पे ये करता था कि जब मुझे पता होगा यू नो इफ आई एम ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, स्टॉक मेरा बड़े तेज से गिर रहा है एंड मेरे पास कैपिटल है लेट्स से 1,00,000 रुपीज, ऑलराइट, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग वन फ्यूचर एक कॉल ऑप्शन मैंने क्या किया, इस लेवल के पास एक कॉल ऑप्शन बाय किया, फिर और तेज से गिरा तो यहाँ पे और एक कॉल ऑप्शन बाय किया, फिर और तेज से गिरा तो यहाँ से और एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया। अब मेरा वेटेड एवरेज यहाँ पे आ गया। तो अब होता क्या कि जब भी कोई स्टॉक बड़े तेजी से गिरेगा, तो जब ये थोड़ा सा भी रिवर्स करेगा, तो ये सारे लोग उसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए आ जाएंगे और वही उस स्टॉक को रिवर्स कर देंगे। तो व्हेनेवर आई वांटेड टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, मैं ऑप्शन का इस्तेमाल करता था, जिससे अगर लॉस हो भी रहा है तो मेरा लॉस फिक्स हो, अनलिमिटेड मेरा लॉस ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ये इसीलिए करना है बिकॉज हमारे पास कैपिटल है वो लिमिटेड है। 1,00,000 भी लिमिटेड कैपिटल है, 10,00,000 भी लिमिटेड कैपिटल है, 100 करोड़ भी लिमिटेड कैपिटल है। तो हाउ टू यू नो चर्न अवर मनी, दैट इज अ इंपॉर्टेंट स्किल, और ये मैं ऑब्वियसली आपको इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको सिखाते हुए चलेंगे। ऑब्वियसली व्हेन यू डू योर होमवर्क एंड असाइनमेंट्स वेल, दो हैबिट्स आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू लर्न टू सी द बिग स्विंग्स एंड ट्रेड ओनली व्हाट यू प्लान। बिना ट्रेड प्लान किए अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे, बिना एनालिसिस किए कोई भी ट्रेड करोगे, बिना कंपैरिजन के अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे, तो यकीन मानिए इस दुनिया में मैं हूं या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको सफल या सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना सकता। दैट्स इट फॉर द डे। जाते जाते मैं अंत में आपको फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन टू अवर एक्सेलेंट ट्रेडर्स कोर्स, विच आई कॉल इंडियाज दी मोस्ट अफोर्डेबल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जहां पे हर रविवार को आप मेरा होमवर्क देख सकते हैं, मेरी केस स्टडीज आप देख सकते हैं, कौन सा स्टॉक कौन सा सेक्टर कैसे चल रहा है, वीकली ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग अगर आप ये सीखना चाहते हैं, तो हर रविवार को सुबह 11 बजे ये मैं सेशंस करता हूं, इट इज इन द जूम मीटिंग। तो जुड़ना चाहते हो तो ऑल यू नीड टू डू इज एनरोल टू दिस एक्सीलेंट ट्रेडर्स कोर्स। आई एम गोइंग टू सी ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हार्ड एंड मनी एंड जय हिंद।